ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी के ऐतिहासिक सैरी मंच पर चौहार घाटी के नौ देवताओं द्वारा देव खेल का आयोजन किया गया। गुरुओं द्वारा प्रदर्शित की गई देव खेल के बारे में जानकारी देते हुए सर्व देवता समिति के उपाध्यक्ष मोहनलाल ठाकुर ने बताया कि देव खेल 40 साल पहले किसी कारणवश स्थगित हो गया था और इस बार शिवरात्रि महोत्सव में इस परम्परा को पुनः शुरू करने की मांग पर इसे शुरू किया गया है। मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर चौहार घाटी के नौ देवताओं द्वारा देव खेल का आयोजन किया गया। गुरुओं द्वारा प्रदर्शित की गई देव खेल के बारे जानकारी देते हुए सर्व देवता समिति के उपाध्यक्ष मोहनलाल ठाकुर ने बताया कि देव खेल 40 साल पहले किसी कारणवश हो गया था और इस बार शिवरात्रि महोत्सव में इस परम्परा को पुनः शुरू करने की मांग पर इसे शुरू किया गया है। रियासत काल के दौरान राजाओं द्वारा अपने महल में बुलाकर देवी देवताओं की शक्तियों का परीक्षण किया जाता था और उसके उपरांत जो देवी देवता परीक्षण में पास हैं उन्हें ही राज दरबार में आमंत्रित किया जाता था और देव खेल परंपरा में शामिल किया जाता था। जी मोहनलाल ठाकुर, उपाध्यक्ष सर्वदेव समिति मंडी। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के छठवें दिन हमारे चौहार घाटी के प्रमुख देवता उर्ग नारायण जी, पशाकोट जी, घरौनी नारायण जी, त्रैलु के गहरी, गड़ू के गहरी, ऐसे नौ हमारे देवता हैं जिनका यहाँ आज सेरी मंच के अंदर देव खेल शुरू हो रहा है और रियासत काल से चला हुआ ये कार्यक्रम कुछ समय पहले, लगभग 40 वर्ष पहले ये बंद हुआ था और हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिला प्रशासन का, हमारे डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर जी का और हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, श्री जोहार ठाकुर जो हमारे द्रंग क्षेत्र के एमएलए हैं उनके अथक प्रयासों से, श्री शिवपाल जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं उनके अथक प्रयासों से जो है ये पुरानी परंपरा को शुरू किया गया है जो आज इसका दूसरा वर्ष जो है इसमें कार्यक्रम में आज चला हुआ है। इसके लिए सर्वदेव समाज जो है मंडी की अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के लिए सभी हमारे चौहार घाटी के सभी देवी देवताओं का, वहाँ की जनता का और मंडी की जनता का, प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इतिहास काल से पहले ये चीज़ें इसलिए राजाओं द्वारा शुरू की जाती थी क्योंकि कुछ एक देवताओं की राजाओं द्वारा अपने महल में बुला करके उनकी परीक्षा ली जाती थी, जिस परीक्षा में जो देवी देवता सफल होते थे उनको जो है राज दरबार में यहाँ आने की अनुमति दी जाती थी, उसी कड़ी का एक हिस्सा बनते हुए आज हमारे ज्वार वैली के सभी देवता भी रियासत काल में अपनी परीक्षा में जो है राजाओं के पास पास होकर के और अपनी जो ये परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए मंडी के शिवरात्रि महोत्सव में ये यहाँ उपस्थित रहते हैं।